इससे पहले दोस्तों एक वीडियो में मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ कि आज के दिन वो ऐसी दुनिया में आपको कौन सी कंट्रीज देखने को मिलेंगी जहाँ पर ना पेट्रोल के प्राइजेस सबसे ज़्यादा है। लेकिन आज ना बात होगी दुनिया के 10 ऐसे देशों की जहाँ ना पेट्रोल दोस्तों पानी से भी आपको सही में सस्ता देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं दुनिया के 10 देशों के बारे में जहाँ पेट्रोल की कीमतें सबसे ज़्यादा कम है ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, तो अभी से कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। नंबर 10 पर नाम आता है मलेशिया का। एशिया की दोस्तों इस कंट्री में आज के दिन आपको पेट्रोल ना बेहद ही ज़्यादा सस्ता देखने को मिल जाएगा। आप जानते होंगे दोस्तों मलेशिया असल में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरक्की वाला देश है, लोगों का लाइफस्टाइल यहाँ काफ़ी अच्छा है। अधिकतम लोगों के पास आपको मलेशिया में कार्स तो देखने को मिली जाएगी और टू व्हीलर तो दोस्तों लगभग हर इंसान के पास यहाँ आपको देखने को मिली जाएगा, लेकिन अधिकतम लोग मलेशिया में कार को चलाते हुए ही आपको नज़र आने वाले हैं। आज के दिन दोस्तों यहाँ पेट्रोल बेहद ही ज़्यादा सस्ता है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार यहाँ 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको तकरीबन 49 सेंट का खर्चा करना पड़ेगा, यानी आधे डॉलर से भी थोड़े कम में दोस्तों 1 लीटर पेट्रोल मलेशिया में आपको मिल जाएगा, जो कि इंडियन अगर करेंसी के हिसाब से देखें तो दोस्तों ये बनता है 36 रुपये और 63 पैसे। इस तरीके से दोस्तों आज के दिन मलेशिया दुनिया की 10वें नंबर की ऐसी कंट्री बन जाती है जहां पर ना पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। नंबर 9 के अगर हम देश की बात करें तो नाम आता है इथियोपिया का। इथियोपिया असल में दोस्तों ये ईस्ट अफ्रीका का काफ़ी ज़्यादा गरीब सा देश है। तरक्की इस देश ने बिल्कुल ही कुछ खास नहीं की है, लोगों का लाइफ स्टाइल काफ़ी ख़राब है और पूरे देश में बेहद ही ज़्यादा कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही आपको गाड़ियाँ देखने को मिलने वाली है। हालाँकि यहाँ पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा सस्ता देखने को मिल जाएगा। आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर भी दोस्तों पेट्रोल के प्राइसेस तकरीबन 48 सेंट तक देखने को मिलने वाले हैं, जो कि अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो दोस्तों बनते हैं तकरीबन 36 रुपये और 48 पैसे। इस तरीके से दोस्तों ये दुनिया की 9वें नंबर की ऐसी कंट्री बन जाती है जहाँ पर पेट्रोल बेहद ही ज़्यादा सस्ता है आज के प्रेजेंट समय में। नंबर 8 की अगर हम देश की बात करें तो नाम आता है कजाकिस्तान। इस एशियन कंट्री में दोस्तों आज के दिन तरक्की का काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हुआ है पिछले कुछ सालों में और अधिकतम लोगों के पास यहाँ कार्स देखने को मिलेंगी और कुछ लोग यहाँ टू व्हीलर्स का यूज़ करते हुए भी नज़र आ जाएंगे। कजाकिस्तान में दोस्तों आज के दिन आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए तकरीबन 44 सेंट का खर्चा करना पड़ेगा, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से बनते हैं 32 रुपये और 93 पैसे। और इस तरीके से ये दुनिया की 8वीं ऐसी कंट्री बनती है जहाँ पर पेट्रोल के दाम सबसे ज़्यादा कम हैं। नंबर 7 की अगर हम देश की बात करें तो नाम आता है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान का। ये भी असल में एक एशियन कंट्री है जिसने दोस्तों तरक्की ज़रूर की है पिछले 10 से 15 सालों में। आज के दिन यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा पहले से आपको खुश रहते हुए नज़र आ जाएंगे। अधिकतम लोगों के पास यहाँ कार्स देखने को मिलेंगी और लोग कार चलाए भी क्यों ना दोस्तों, यहाँ पेट्रोल है ही इतना सस्ता। तुर्कमेनिस्तान में दोस्तों ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 1 लीटर पेट्रोल आपको 43 सेंट में मिल जाएगा, यानी 31 रुपये और 34 पैसे में दोस्तों तुर्कमेनिस्तान में आपको पेट्रोल मिल जाएगा। नंबर 6 की अगर हम देश की बात करें तो नाम आता है नाइजीरिया का। अफ्रीका के इस देश में दोस्तों हालत पहले से अब काफ़ी ज़्यादा सुधरी है और स्पेशली इसकी इकॉनमी भी अब आपको अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आएगी। हालांकि इसकी आबादी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और पैसा कम होने के चलते यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के पास आपको कार्स देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि इस अफ्रीकन कंट्री में हर चीज़ आपको काफ़ी सस्ती देखने को मिलेगी और पेट्रोल भी काफ़ी सस्ता है। नाइजीरिया में दोस्तों 1 लीटर पेट्रोल तकरीबन 41 सेंट में आपको मिल जाएगा, जो कि इंडिया के 30 रुपये और 29 पैसे के बराबर है। नंबर 5 की अगर हम देश की बात करें तो नाम आता है कुवैत का। मिडल ईस्ट के इस देश में तो दोस्तों खुद ही तेल की कोई कमी नहीं है, तो भला ये देश दोस्तों तेल सस्ता क्यों नहीं देगा। आज के दिन कुवैत में 1 लीटर पेट्रोल सिर्फ 35 सेंट में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 1 लीटर पेट्रोल के लिए कुवैत में आपको सिर्फ 25 रुपये और 85 पैसे का खर्चा करना है। यही वजह कि कुवैत में लोगों के पास लग्जरी गाड़ियों की भी कोई कमी नहीं है और अधिकतम लोगों के पास यहाँ कार्स देखने को मिल जाएंगी। नंबर 4 की अगर हम देश की बात करें तो नाम आता है दोस्तों अल्जीरिया का। इस अफ्रीकन कंट्री में भी दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा कमी है, लोगों के पास पैसे की कमी है, जिसके चलते बहुत ही कम आबादी के पास ही अल्जीरिया में आपको
कार्स देखने को मिलने वाली हैं। हालांकि पेट्रोल यहाँ काफ़ी सस्ता है और आज के दिन अल्जीरिया में 1 लीटर पेट्रोल आपको सिर्फ 34 सेंट में देखने को मिल जाएगा, यानी अगर हम इंडियन करेंसी में देखें तो तकरीबन 25 रुपये और 45 पैसे में दोस्तों अल्जीरिया में 1 लीटर पेट्रोल आपको मिल सकता है। नंबर 3 की अगर हम देश की बात करें तो नाम आता है एंगोला का, एक और अफ्रीकन कंट्री इस लिस्ट में आ चुकी है। ज़्यादातर दोस्तों यहाँ अफ्रीकन कंट्रीज़ देखने को मिली हैं क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ दोस्तों काफ़ी गरीब है, हर चीज़ वहाँ सस्ती है और वहाँ पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ होता है, कम गाड़ियाँ होने के चलते भी, यही वजह है कि यहाँ पेट्रोल काफ़ी सस्ता है। हालाँकि कुछ लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ ज़्यादा होंगी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कब्ज़ा ना अफ्रीकन कंट्रीज़ का रहा। आज के दिन एंगोला में दोस्तों 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको तकरीबन 25 सेंट का खर्चा करना पड़ेगा, यानी 18 रुपये और 48 पैसे। नंबर 2 की तरफ अगर हम बढ़े तो नाम आता है दोस्तों ईरान का। ईरान जो कि दोस्तों एक शानदार एशिया में बसा हुआ देश है और इस मिडल ईस्ट के इन देश को दोस्तों हिस्ट्री में पर्शिया के नाम से भी पूरी दुनिया जानती थी। ईरान में आज के दिन दोस्तों पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, सिर्फ 7 सेंट में आपको ईरान में 1 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा, क्योंकि खुद के देश में ही पेट्रोल की कोई खास कमी नहीं है। और अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल के लिए ईरान में आपको देने पड़ेंगे सिर्फ 4 रुपये और 82 पैसे। और इस तरीके से ईरान पूरी दुनिया का दोस्तों दूसरे नंबर का ऐसा देश बन जाता है जहां पर ना पेट्रोल के प्राइसेस आज के दिन सबसे ज़्यादा कम है। नंबर 1 के देश की अगर हम बात करें तो नाम आता है वेनेजुएला का। हमारी इस लिस्ट में दोस्तों एकमात्र कंट्री साउथ अमेरिका की रही है और वो है वेनेजुएला, जिसने यहाँ लिस्ट में टॉप किया। इस देश की हालत ना दोस्तों पिछले 3 से 4 सालों में बिल्कुल ख़राब हो गई। एक समय हुआ करता था जब ये देश तरक्की की राह में बड़ा आगे था, और दोस्तों ये वही देश है जहाँ की लड़कियाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत और मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स जीतने के मामले में यहाँ की लड़कियों का कोई जवाब नहीं। लेकिन करप्शन के चलते, करप्ट नेताओं के चलते ये देश पूरी तरह से दोस्तों तरक्की की राह से नीचे उतर चुके हैं। अब तो यहाँ की 70 से 80% आबादी आपको गरीबी से नीचे रहती हुई देखने को मिल जाएगी। हालाँकि इस देश के पास मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ के मुकाबले भी आपको बड़ा ऑल रिजर्व देखने को मिल जाएगा। शायद यही वजह है कि यहाँ पर दोस्तों आज के दिन 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको सिर्फ 2 सेंट का खर्चा करना पड़ेगा। और इंडियन रुपीस में दोस्तों वेनेजुएला में आपको सिर्फ 1 रुपये और 48 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल मिलने वाला है। सोचिए दोस्तों सिर्फ 1 रुपये में पेट्रोल 1 लीटर मिल जाए किसी देश में, ये तो बहुत बड़ा अचंभा है। बात अगर थोड़ी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ की करें जिनकी दोस्तों आपने उम्मीद की होगी, तो कतर का यहाँ रैंक आपको देखने को मिलेगा दोस्तों नंबर 11 पर। तो वहीं बहरीन का भी दोस्तों रैंक नंबर 12 है। इसके अलावा ओमान का रैंक आपको टॉप 20 में, तो यूएई का रैंक यहां पर देखने को मिलेगा नंबर 22 पर। वैसे आपका दोस्तों वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है दोस्तों रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।